कांग्रेस की ओर से कल सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर को शहर में चल रहे अवैध कॉल सेंटर, बार एवं स्पा को बंद कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। इसी दौरान सिलीगुड़ी विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि कॉल सेंटर, मैत्री क्लब और स्पा सेंटरों के पीछे अजीबोगरीब गतिविधियां की जा रही हैं। हल्ला बोल 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 हल्ला बोल
मशीन में चल रहा है उसके नाम पे जो सेक्रेटरी चल रहा है और उसका पारी ये सब जो धरल्ले से चल रहा है तेलंगाना से पुलिस आके यहाँ पे कार्रवाई करके जाती है और दोषियों को पकड़ के ले जाती है लेकिन सिलीगुड़ी में इतना बड़ा सेक्रेटरी ये सब गोरख धंधा चल रहा है यहाँ की पुलिस को क्या पता नहीं है सब पता है यहाँ की पुलिस उन लोगों का साथ दे रही है उनके साथ चल रही है क्या कारण है इसके लिए हम लोग आज ऊपर माहौल में कमिश्नर साहब को बताने आए कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आगामी काल में हम लोग डायरेक्ट कॉल सेंटर स्पा सेंटर हुक्का पार्लर डांस बार जहाँ भी होगा यूथ कांग्रेस डायरेक्ट वहाँ जाकर अटैक करेगा तो इसके बाद हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इसलिए हम आज स्पष्ट रूप से बोल दिए कि आप इसके ऊपर ध्यान दें
तो उन्होंने क्या बोले? उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें दिया कि आप बताएं कहाँ कहाँ की क्या जरूरत है, वहाँ पे हम जाके कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? रोहित सिंह, सिलीगुड़ी विधानसभा अध्यक्ष। और कौन कौन है? और हमारे साथ अली भैया है, माइनॉरिटी सेल के चेयरपर्सन, हमारे साथ अभिलाष दा है। अभिलाष क्या है नाम? अभिलाष सुब्बा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस, मदर कांग्रेस। फैज आलम, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस। Yeah.